एक बार एक छोटा सा बालक जिसका उम्र 8 वर्ष था, वह डेली स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल में आग लगने की वजह से वह बुरी तरह जल चुका था। उसकी टांगे बहुत बुरी तरह से जल गई थीं। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा और वह निराश हो गया। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। हॉस्पिटल से जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती थी और उसे व्हील चेयर पर घुमाने के लिए पास के एक मैदान में ले जाया करती थी। उस बच्चे में बड़ा दृढ़ विश्वास था। उसकी संकल्प शक्ति काबिले तारीफ थी। उसे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह एक दिन जरूर चलेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बिठा कर कहीं चली गई तो उसने स्वयं को उस चेयर पर से गिरा लिया एवं स्वयं को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोजाना ही ऐसा करता रहा और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वह खड़ा होने लगा, फिर वह धीरे धीरे चलने लगा और कुछ दिन बाद वह दौड़ने लगा। एक दिन वह अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। उसने 1500 मीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ग्लेन कनिंघम का। उनके इस संकल्प शक्ति को बार बार नमन है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी एंड अपने जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लिया जो सराहनीय है। हर एक इंसान कर सकता है, उसके अंदर हौसला होना चाहिए, वह एक दिन जरूर इसी तरह विश्व रिकॉर्ड बना सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं शेयर करना न भूलें।